परंपरागत रूप से पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर अगर हम जनपद अल्मोड़ा की बात करें, तो लकड़ी की हल पर निर्भरता है। हलों हेतु लकड़ी की व्यवस्था करने हेतु कृषक पूर्णतः चौड़ी पत्ती के वृक्षों जैसे कि बांज, बुरांस, उत्तीस आदि के वृक्षों पर निर्भर थे तथा इन प्रजातियों के वृक्षों का वृहद मात्रा में दोहन किया गया, जिसके कारण जंगलों में व्यापक कटान हो रहा था एवं चौड़ी पत्ती के वृक्षों में कटान के परिणाम क्षेत्र की जैव विविधता को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे थे। इसके परिणाम थे मिट्टी का कटाव, वर्षा जल का कम संग्रहण व पारिस्थितिकी में असंतुलन के रूप में। कृषकों की लकड़ी के हल को स्वीकार व आसान विकल्प देने हेतु विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान द्वारा एक दशक से अधिक के तकनीकी अनुसंधान के बाद VL शाही हल का विकास किया गया, जिसे कृषकों द्वारा हाथों हाथ लिया गया है। पहले जमाने के हलों में तो ये होता था लकड़ी का, कि उससे जंगल में कटान का भी समस्या रहती थी और जिससे कि खेत में हल जलाने के लिए कई चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती थी। लकड़ी का हल टूट जाया करता था, उसके लिए अलग से एक मिस्त्री को रखना पड़ता था, जिसके कारण अब सरकार ने हमें ये जो सुविधा दी है, इसका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कृषि विभाग का, जिन्होंने हमें नई टेक्नोलॉजी में अच्छी सुविधा का अनुसार ये हल दिया जो सूक्ष्म रूप से खेतों में कार्य करेगा। कृषि विभाग द्वारा VL शाही हलों को कृषकों के बीच लोकप्रिय बनाने व लकड़ी का विकल्प देने हेतु इंट्रोड्यूस किया गया है। यदि हम बात करें तो यह VL शाही हल है, इसकी कुल कीमत 1715 रुपये है, जिसमें विभाग की तरफ से अनुदान के रूप में 1372 रुपये और कृषक को जो कृषक अंश देना है वो मात्र 343 रुपये में है। कृषि विभाग व जनपद प्रशासन का एक अभिनव पहल है, जिसमें किसानों को यह स्याही हल 80% अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा आराम है, मतलब किसी लकड़ी का ठोकने ठाकने का हल, लकड़ी से बार बार ठोकना पड़ता था, बार बार कभी कुछ टूटता था, तो इसको एक बार खेत में ले जाओ आराम से बालो। इससे सबसे पहले फ़ायदा तो है कि जुताई सही से हो जाती है और दूसरा समय बच जा रहा है, क्योंकि लकड़ी के हर में कभी पच्चर निकल जाता था, कभी लठुड़ा निकल जाता था, ठोकते रहो, इसमें ऐसा कोई चक्कर है नहीं, सीधा सीधा बातें ले जाओ बस। मिट्टी कटाई सही करता है, मतलब गहरा करता है उससे, क्योंकि गहरे करने के लिए फिर नाड़ी को बाहर निकालो, उसको अलग ठोको, इसमें जोर कम पड़ता है, इसमें सही रहता है। VL शाही हल वितरण के पश्चात चौड़ी प्रजाति के वृक्षों के कटान में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसे इस जल समेत क्षेत्र में कोसी नदी की ओर गिरने वाले नालों में प्राकृतिक जल की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। क्षेत्र के सभी ग्रामीण परिवारों को VL शाही हल उपलब्ध कराने का परिणाम सकारात्मक रूप से जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक ताप वृद्धि को नियंत्रित करने में सहयोगी सिद्ध हो रहा है। मेन चीज इसमें यह है कि ये चीज हमारा अलग है, इसके लिए हमको लकड़ी अलग है ढूंढनी पड़ती थी, कोई टेढ़ी हो जाती थी, कोई फंस जाती थी, जिसमें बैलों को आज बहुत परेशानी होती थी। इसमें क्या है, ये लकड़ी सीधी मिल जाती है, सीधी है, इसमें बैलों को कोई परेशानी नहीं होगी। और जुताई समय हमारा नया है, इसको अलग अलग हमको वहाँ से क्या था, बैलों की वजह से क्या था, कभी निकल जाता था, कभी खुश निकल जाता था, उसकी वजह से अलग अलग। अभी ये क्या है कि हमको कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम प्रॉब्लम परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। जंगलों के कटान को रोकने में भी यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पहाड़ों में ट्रेडिशनली खेती करने के लिए किसान अक्सर लकड़ी के हलों का प्रयोग करते हैं, जो वो जनरली चौड़ी पत्ती के पेड़ों को काटकर, जैसे कि बांज हो गया आपका, उतीस हो गया, इस प्रकार के वृक्षों को काटकर बनाते हैं। इससे एक तरफ ना तो सिर्फ हमारी वन संपदा प्रभावित होती है, दूसरी तरफ चूंकि ये चौड़ी पत्ती के पेड़ वाटर कंजर्वेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इससे पानी की स्थिति जो पहले ही पहाड़ों में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसमें भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनको मद्देनज़र स्याही हल की क्षेत्र में अत्यधिक डिमांड हमें प्राप्त हुई, जिसमें जो स्याही हल है वो हमारा लोहे के द्वारा निर्मित हल है, इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और इससे ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है और इससे रोज़गार भी जनरेट होता है। तो इसकी मांग के मद्देनज़र अल्मोड़ा ज़िले में हमने जिला योजना के अंतर्गत स्याही हल को प्रमोट करने का डिसाइड किया। हमने लगभग 2000 से अधिक स्याही हल कृषि विभाग के द्वारा
कृषकों को अनुदान पर 80% अनुदान पर उपलब्ध करवाए हैं। मुझे पूरी आशा है कि इससे किसानों को अपनी खेती करने में भी सहायता मिलेगी और पर्यावरण का एक संरक्षण भी इसके माध्यम से संभव हो सकेगा। धन्यवाद। यदि रिचार्ज जोन में किसान जो है वो और अधिक डिमांड करते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा वितरण किया जाएगा ताकि हमारे पेड़ों को कटान से रोका जा सके, हमारे कृषकों को हलों का वितरण किया जा सके और साथ ही साथ हमारे जो पर्यावरण के प्रहरी हमारे वृक्ष हैं इनके कटान पर पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सके।